से दिखाइए पहले। विशेष कार्य योजना हमने इस प्रकार की कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ कोलेबरेशन करके हमने उन सभी व्यक्तियों को जिन लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं थे लगभग 2 लाख व्यक्तियों का डेटाबेस कलेक्ट किया और उन सबको पोस्ट कार्ड मुहैया कराया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी परमिशन ली गई और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से भी परमिशन ली गई। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से कॉन्टेक्ट किया गया तो उन्होंने ये बताया कि इस तरीके का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं बना है कि इतनी बड़ी संख्या में प्लेज ली गई हों। उनको बुलाया गया, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए और उन्होंने यह देखते हुए कि इस तरीके का एक नया क्लीन इंडिया मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस तरीके की शपथ ली गई है, तो वो इस चीज पर उन्होंने हमारे रिकॉर्ड को, क्लेम को क्वालिफाई किया। जो सहारनपुर को गिनीज बुक में रिकॉर्ड कराया जाए स्वच्छता अभियान के लिए, वो केवल पोस्ट कार्डों में ही है, धरातल पे कुछ नहीं। धरातल पे चारों तरफ निकल जाइए तो आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा। और शहर के बीच में भी ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे आदमी क्या, जो जानवर भी नहीं रह सकते। सफाई की तो बात अलग है, मैं समझता हूँ केवल कागजों में है, धरातल पे नहीं है। कोई विकास नहीं हो रहा है, तो हमारी सरकार जानती, जब स्कीम आई थी स्मार्ट सिटी की, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा सिवाय लोगों को बेवकूफ बना जा रहा। और ये कार्डों की बात तो देख के मुझे अचंभा हुआ, कहाँ से कार्ड आए, किसने दिए कार्ड। और मैं परसों से कितने भर के लोगों से पूछ लिया, तेरे पर तूने कोई कार्ड लिखा गया, ये सब कहीं दफ्तर में बैठ के बड़ा बना के बिछा लिए वहाँ, ये सब ड्रामा हो रहा है। कागजों पे सीमित चल रहा, अभी तक धरातल पे कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई चीज धरातल पे नजर नहीं आ रही। विकास तो अलग नजर आता है।